नमस्कार, न्यूज सेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद शामली में लूट के बाद गोली मारने की वारदात सामने आई है, जहां पर गांव से अपनी दुकान से घर लौट रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने लूट के बाद गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में शहर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कहनला थाना क्षेत्र के गांव खंडरावली का है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि रोहित नाम का युवक खंडरावली में किरियाना की दुकान करता है, और रोज की तरह देर शाम वह अपने पिता के साथ अपनी गाड़ी में सवार होकर अपनी दुकान से अपने घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि रास्ते में पेड़ पड़ा है। जैसे ही रोहित पेड़ हटाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा, तो पास के खेत से दो बदमाश निकले और रोहित के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने रोहित से 55,000 की नकदी भी लूट ली और मौके से फरार हो गए। रोहित ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर सर्च अभियान चलाया, लेकिन बदमाशों को कोई सुराग नहीं लग सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दुकान बढ़ा के चले हैं। अच्छा। और जैसे ही नहर क्रॉस किया, फिर उसके बाद एक रजिया आया। अच्छा। वो क्रॉस करते गई, थोड़ा दूर चलते ही एक पेड़ रोड पे अड़ा रहा था। हमने सोचा वो पता नहीं कोई किसने वो पेड़ रोड पर अड़ा दिया, तो मैं मतलब रोड होल्ड अप कर गया, रोड होल्ड अप रखा। अच्छा। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था उस पेड़ को हटाने के लिए, मतलब हटवा देंगे तो उतर गए। मगर चलो उतरी शायद सरका मांगे, तो इतने में ही एक में से दो आदमी आए, आप तो सीधी गोली मारी उन्होंने। अच्छा। जो इसके हाथ में लगे शीशे पाक गल लूट मारे, फिर कहना पैसे ले जाते। कितने पैसे छीने आप? पैसे ऐसे होंगे 7-7 हज़ार। अच्छा। किस चीज़ के व्यापारी हैं? बस ऐसे परचून की दुकान है, किरियाने के। अच्छा। डेली आना जाना होगा? डेली आना जाना। अच्छा, पहले तो कोई ऐसी बात नहीं, पहले कभी कोई ऐसी। अच्छा, पुलिस मिली जैसे डायल 100 या वैसे कुछ नहीं? कोई नहीं। कल रात की बात है कि ये कांदा थाना क्षेत्र में इनकी परचून की दुकान है, और वहाँ से जब ये वापस लौट रहे थे अपनी मारुति 800 में, तो रास्ते में सुनसान इलाके में वहाँ पर दो लोगों ने इनकी गाड़ी रोक ली और उसके बाद इनसे पैसे की डिमांड की। और जिस हिसाब से इनका बताना है, उस हिसाब से लग रहा है कि उन लोगों को पहले से ही आइडिया था कि इनके पास कितने पैसे हैं और क्या इनके पास पैसा है। इनके पास 55,000 रुपये करीब थे, तो उन्होंने उनसे पैसा मांगा, इन्होंने गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए, विरोध किया, तो उन लोगों ने फायर कर दिया। तो उससे इनका जो लड़का था रोहित, उसकी अंगूठे में चोट आई है उसके। अभी वो खैर ऑपरेशन हो गया है, बुलेट नहीं मिली हम लोगों को। और इसके साथ ही वहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और ये कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी से जल्दी हम इस घटना को वर्कआउट। लूट हुई थी सर घटना के? हाँ, इसमें 55,000 रुपये इनके बैग में थे, 55,000 रुपये इनके आधार कार्ड और लाइसेंस वगैरह जो था वो बैग लेकर के भाग गए। दो लोग थे इसमें, चेहरा उन्होंने ढका हुआ था।